टुडे आई विल स्टार्ट डिफरेंशिएशन। इसमें क्या पढ़ाने जा रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में कोई सा भी फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है, उसके लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है वाई बराबर एफ एक्स? कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब क्या होता है, कोई ग्राफ ड्रॉ करते वक्त यदि प्लेन नहीं उठाना पड़े, जैसे y बराबर साइन x है, तो y बराबर साइन x है तो साइन x का ग्राफ कैसे होता है ऐसे, इसमें क्या हो रहा है, प्लेन नहीं उठाना पड़ रहा है कहीं, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस मतलब कहीं ब्रेकिंग पॉइंट ना हो। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। लेट डेल्टा y बी द स्लाइटली चेंज इन y एंड डेल्टा x बी द slightly change in x, that means delta y किस में increment हो रहा है y में, और delta x किस में change हो रहा है x में। तब इस equation में क्या हो जाएगा, y plus delta y equal to f x plus delta x। इसको equation हम क्या मान लिए, second मान लिए। From second minus first gives क्या हो जाएगा, y plus delta y minus y, that means LHS को LHS तरफ माइनस करेंगे, RHS को RHS तरफ माइनस करेंगे, x plus delta x minus f of x। क्या आ गया, delta y f x plus delta x minus f of x। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, f x plus delta x को कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये टोटली रॉन्ग हो गया मैथमेटिक्स में, इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिए। इसको हम क्या कर दिए, थर्ड मान लिए। लेट डेल्टा एक्स बी द डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स, दैट मीन्स तीसरा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो आया है उसमें हम क्या कर दिए, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिए, तो क्या हो गया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब क्या कर लेते हैं, लिमिट लगा देते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, क्या हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या आ गया जी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, वेयर
डेल्टा एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो से कितना बड़ा है तो 0.00001, मतलब डेल्टा एक्स कितना बड़ा है जीरो से तो 0.0001, मतलब निज्जेवल बड़ा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यहाँ भी क्या हो गया एच ग्रेटर देन जीरो, जीरो से कितना बड़ा है तो 0.0001 निज्जेवल वन। ये दोनों क्या हो गया, चाहे तो ये फार्मूला याद रखिए चाहे ये फार्मूला याद रखिए, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एक बार फिर से समझ लीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है, कोई भी फार्मूला को हम लोग ड्राइव करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है, y बराबर एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन हम ही पढ़ाएंगे। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते वक्त यदि पेन नहीं उठाना पड़े तो उसको क्या बताए क्या बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। जैसे यहाँ पर बताए थे साइन एक्स क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन है। अब क्या कर दिए, लेट डेल्टा वाई बी द स्लाइटली चेंज इन वाई एंड डेल्टा एक्स बी द स्लाइटली चेंज इन एक्स। अब इस इक्वेशन में क्या कर दिया, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब क्या कर दिया, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दिया, एलएचएस को एलएचएस तरफ माइनस कर दिया और आरएचएस को आरएचएस तरफ माइनस कर दिया। तो इधर क्या बचा, डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज बचा। फिर क्या कर दिया, डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, तो क्या हो गया डेल्टा वाई वाई डेल्टा एक्स फिर इस टर्म अपॉन डेल्टा एक्स। अब क्या कर दिए, इस इक्वेशन ये जो टर्म आया है इसमें क्या कर दिए, लिमिट डेल्टा एक्सटेंस टू जीरो दोनों तरफ लगा दिए, लिमिट डेल्टा एक्सटेंस टू जीरो डेल्टा वाई वाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्सटेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब इस टर्म को हम लोग क्या बोल देंगे डी वाई, दैट मीन्स वैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे बाबू, इसको क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसको क्या डी वाई बाई डी एक्स, अब डेल्टा एक्स जहां जहां है वहां क्या कर दिए एच लगा दिए, एच टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स है तो यहाँ एच हो गया एफ एक्स, यहाँ भी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से कितना बड़ा है तो 0.00001, यहाँ भी एच क्या है ग्रेटर देन जीरो है तो जीरो से कितना बड़ा है तो 0.001 निग्जेबल बड़ा है। ठीक है, अब एक दो गो क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा जरूर, क्योंकि मैथमेटिक्स में बर्दाश्त नहीं किया जाता है, बर्दाश्त करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री है। पहला साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स, वाई कैसे होता है, लेट एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या हो गया साइन एक्स प्लस एच, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया according to definition of according to definition of first principle method। तो first principle method का formula हम क्या पढ़ाए हैं, वो limit h tends to zero एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब इस फॉर्मूला पे लिख देना है अपने को, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और हम क्या जानते हैं साइन एक्स प्लस एच को क्या मान लिए सी और एक्स को क्या मान लिए डी, और एक फॉर्मूला क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी
अब फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी सी बाई टू। अब इस फॉर्मूला पे इसको व्यक्त लिख देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं, टू कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाय टू इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाय टू अपॉन टू। अब क्या कांस्टेंट टर्म को हर हमेशा लिमिट से क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है, दैट मीन्स टू और टू, सॉरी ये एच ना, ये वाला एच। कांस्टेंट टर्म को हमेशा क्या करते हैं, लिमिट से बाहर भेजते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एक्स प्लस एक्स टू एक्स टू एक्स बाई टू एक्स प्लस एच बाई टू एक्स एक्स कैंसल, दैट में यहां क्या बच गया, साइन एच बाई टू अपॉन एच। अब क्या लिख सकते हैं, और एक फॉर्मूला होता है बुआ, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा कितना होता है वन। ये क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा कितना होता है वन। तो दैट मीन्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एक्स और एच का वैल्यू क्या हुआ, जीरो बाय टू इंटू साइन एच बाय टू अपॉन एच। अब क्या हमको लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा कितना होता है वन, तो यहाँ क्या है एच बाय टू है, एच बाय टू टू से डिवाइड कर दिया और टू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया वन। तो टू लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एक्स इंटू वन बाय टू, तो टू टू कैंसल, क्या आ गया कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या पढ़ा दिया अभी, कैसे फॉर्मूला प्रूफ होता है आप लोगों को पता चल गया। वैसे ये ट्वेल्थ का सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोगों को फिर भी समझना है, क्योंकि कोई पूछ दे या कभी कभार फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में कोई प्रूफ पूछ देता है। ट्वेल्थ में भी 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन एक्स का कैसे होता है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स ले लिए, एफ एक्स जैसे डेल्टा एक्स एक्स में बढ़ता था, यहाँ एच बढ़ गया, यहाँ भी एच हो गया। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का भी फॉर्मूला पर आए थे, सब वैल्यू पुट कर दिए, साइन सी माइनस डी फिर आ जाती है, लिख दिया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या पढ़ना है हमको, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ट्राई योर सेल्फ, जैसे साइन एक्स का निकाले हैं वैसे ही क्या कर देना है, कॉस एक्स का निकाल देना है। तीसरा टेन एक्स, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू, सेम मेथड है, सेम कहानी, कुछ नहीं चेंज। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, और क्या कर देना है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब फॉर्मूले पे लगा देना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या है बुआ, टेन एक्स प्लस एच, तो टेन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है टेन एक्स अपॉन में कितना एच,
लिमिट एच टेंस टू जीरो, टेन को क्या कर देना है, साइन बाय कॉस में लिख देना है, साइन एक्स प्लस एच बाय कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन एच, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा भाई साहब, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी, दैट मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये क्या कौन सा फॉर्मूला पे आ गया, साइन एक्स प्लस एच को ए मान लिए और एक्स को क्या मान लिए बी मान लिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या हो गया साइन ए माइनस बी, तो ए कितना है एक्स प्लस एच, बी कितना है एक्स अपॉन में क्या है, और ये भी एच कहाँ है, यही बत्ते है ना, बत्ते का बत्ता है, ये भी यही आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच, क्या आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स एक्स क्या हो गया कैंसल, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच, फिर फॉर्मूला आ गया लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एच वाई एच का वैल्यू कितना हो जाएगा जी वन, तो वन कॉस एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना है जीरो इंटू कॉस एक्स, क्या आ गया वन वाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया अपने पास सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है कोई दिक्कत, फिर नेक्स्ट देखते हैं, कोई दिक्कत तो पूछिएगा, हमको नहीं लगता आप लोगों को दिक्कत होता होगा शायद से आज, चौथा है कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, जैसे टेन एक्स का बनाया वैसे किसका होगा कॉट एक्स का, ट्राई योर सेल्फ, आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो पूछिएगा, पांचवा है एफ एक्स बराबर सेक एक्स, अब किसका डिफरेंशिएशन निकालना है सेक एक्स का कितना होता है भाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस एच, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एफ पी एम, ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, एफ मीन्स फर्स्ट, पी स्टैंड प्रिंसिपल, एम स्टैंड मेथड, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है डी वाई बाय डी एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, दैट मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या है भैया सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन एच, अब क्या कर देना है लिमिट एच टेंस टू जीरो सेक को क्या कर देना है वन वाई कॉस एक्स प्लस एच, सेक एक्स को फिर क्या लिख दे वन वाई कॉस एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और ये भी बट्टा इसी का है तो यही लिख दिया, एक फॉर्मूला होता है जी
कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। इसको क्या लिख दे, ये कॉस एक्स को क्या हो गया कॉस सी, और कॉस एक्स प्लस एच को क्या लिख दिए कॉस डी। अब देखिए यार, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको क्या लिख दे टू साइन एक्स एक्स प्लस एच वाई टू इंटू साइन डी माइनस डी माइनस है तो डी कितना है एक्स प्लस एच माइनस एक्स वाई टू अपॉन में कितना है कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच एक्स एक्स कैंसल क्या आ गया कॉन्स्टेंट को क्या करते हैं लिमिट से बाहर, तो टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एक्स टू एक्स वाई टू कितना हो जाएगा एक्स तो साइन एक्स प्लस एच वाई टू इंटू साइन एच वाई टू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच। फिर पढ़े हैं फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा वाई थीटा कितना होता है वन, यहां भी क्या कर देते हैं एच बाई टू इंटू टी। अब इसको क्या लिख दे बुआ, टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स एच का वैल्यू क्या है जीरो बाई टू इंटू इसको क्या लिख दे बुआ, ये इसका वैल्यू क्या हो गया वन थीटा, क्या पढ़ाए हैं फॉर्मूला जी, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा कितना होता है वन, ये क्या हो गया इंटू वन अपॉन कितना कॉस एक्स और एच का वैल्यू जीरो इंटू कॉस एक्स इंटू टू, ये टू और ये टू क्या हो गया कैंसल हो गया, क्या बचा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन बाय कॉस कितना होता है टेन एक्स और वन बाई कॉस एक्स कितना होता है सेक एक्स, हम टेन एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या पढ़ लिए टेन एक्स इंटू सेक एक्स। अब क्या कर देना है लास्ट बचा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, नेक्स्ट कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाए